आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बाजार न खुलने के संबंध में व्यापारियों द्वारा अर्ध नग्न होकर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है। आपको बताते चले कि गुरुवार को गदरपुर के मनिहारी मार्केट में गदरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहड़, जिला अध्यक्ष राजकुमार बुड्ढी और प्रदेश महामंत्री अशोक छाबड़ा के साथ शहर के तमाम व्यापारियों द्वारा अर्धनग्न होकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था कि दुकानें ना खुलने की वजह से व्यापारी पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष भाजपा सरकार पर गरजते हुए बोले, सरकार की दुकानें खूब धड़ल्ले से चल रही है क्योंकि व्यापारियों की दुकानें बंद कर रखी है। यदि कोई शहर में व्यापारी दुकान का शटर उठा भी लेता है तो पुलिस द्वारा उसका चालान कर दिया जाता है। लगभग डेढ़ माह से व्यापारियों की दुकानें बंद है, अब यह उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह भी व्यापारियों के अर्धनग्न धरने प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा व्यापारियों को नंगा कर दिया है, जो कि आज इनकी यह नौबत आ गई है, अर्धनग्न होकर इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए गदरपुर से सानूर अली की रिपोर्ट। कपड़े इसीलिए उतारने पड़े कि आपने अभी बताया कि व्यापारी पहले नंगे हुए पड़े, तो हम दिखा रहे हैं कि हम तो पहले से ही नंगे हैं, तो हमें तो भीख मांग के खाना पड़ेगा जो स्थिति बनी पड़ी है। अरे आप देखिए ना, विधायक को तनख्वाह मिल रही है, मंत्री को तनख्वाह मिल रही है, मुख्यमंत्री को तनख्वाह मिल रही है, अरे तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, हमारी दुकानें कैसे चलेंगी? ये लॉकडाउन कर रखा है, जरा सा कोई शटर उठाता है उसका चालान कर दिया जाता है, उसको पुलिस जिप्सी में बैठाती है और ले जाती है। क्या इतने बेइज्जत होंगे क्या व्यापारी यहाँ पर आकर? अरे भाई, किसी को अपनी दुकान में देखना है कि उसके कोई चूहे तो नहीं पड़ गए दुकान के अंदर, किसी का कपड़ा तो चूहे नहीं काट गए हैं, साफ सफाई करनी होती है, जरा सा शटर उठता है कोई दुकानदार कोई ग्राहक थोड़ी आ रहा है ऐसे मौके पे जब सबको पता है कि बाजार बंद है, लेकिन जरा सा शटर उठता है तो पुलिस चालान काट जाती है। तो ये आखिर क्या है? ये व्यापारियों का उत्पीड़न है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेढ़ महीने से हम लोग अपने प्रतिष्ठान बंद करके बैठे हैं, अब हम और सहन नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना इस समय बहुत शांत हो चुका है, तो इसलिए बाजार खुलने की अनुमति तत्काल मिलनी चाहिए, ये हमारी प्रशासन से डिमांड है। हिंदुस्तान में हर वर्ग परेशान है, कोई वैक्सीन से परेशान है, कोई बीमारी के प्रकोप से परेशान है, और कोई बीमारी के दौरान महामारी के दौरान कुप्रबंधन से परेशान है। ये व्यापारी बेचारे अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की नीतियों ने इनको लगभग नंगा कर दिया, इनके कपड़े उतार लिए। ये चाहते हैं कि इनके जो प्रतिष्ठान हैं उनको खोलने में और इनकी जो नीतियाँ हैं उनमें इनकी सहभागिता से, इनकी मर्जी से और इनकी सलाह से बदलाव किए जाएं और इनको अपना रोज़गार चलाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इनके घर में भी बच्चे हैं, उनके लालन पालन के लिए इनको अपने रोज़गार की आवश्यकता है।